आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। नए संसद भवन में 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, जहां संसद के विशेष सत्र को लेकर मोदी सरकार ने एजेंडा भी जारी कर दिया है। हालांकि विपक्ष को अब भी विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने की आशंका है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा है। सरकार संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधित बिल पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। अटल बिहारी सरकार के समय भी इसे पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बहुमत नहीं होने की वजह से यह अटक गया था। मोदी सरकार में भी लंबे वक्त से इसे लागू करने की मांग उठ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी संसद सत्र को संबोधित करेंगे। संसद भवन में आज ये विशेष सत्र होगा। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं ये जानकारी सामने आ रही है कि आज पुरानी संसद में ये कार्यवाही होगी। बता दें, तमाम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा होगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, संसद के विशेष सत्र का आज पहला दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल भाई, आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र कहीं ना कहीं बुलाया गया है और आज लोकसभा के अंदर में पहले दिन का सत्र होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की कहीं ना कहीं पत्र जारी करने के बाद से संसद का विशेष सत्र शेड्यूल किया गया है। अगर बात करें तो आज 4 अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं संसद में आज पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। आज अगर बात की जाए तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने को लेकर जो देश की में उपलब्धियां हुई हैं, जो तमाम विकास कार्य हुए हैं, उसको भी लेकर चर्चा हो सकती है। और आज अगर बात की जाए तो उत्तर देश के 75 साल के इतिहास में संसद कहीं ना कहीं पुरानी संसद अब हो चुकी है और कल नए संसद, यानी कि बात करें तो सेंट्रल विस्टा में कहीं ना कहीं कल से संसद के सत्र का शुरुआत देखने को मिलेगा। आज अगर बात की जाए तो 75 साल के पूरे जो चक्र रहा है भारत की आज़ादी के बाद से, उस पर चर्चा होगी, विकास कार्यों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जिन तमाम नेताओं के उत्कृष्ट योगदान की वजह से आज भारत विश्वभर में अपना एक नाम बनाया हो, उन नामों की भी चर्चा होगी। इस बार का विशेष सत्र अगर माना जाए तो साफ तौर से 4 बिलों को पास करने के उपरांत रखा गया है। अगर बात करें तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार कहीं ना कहीं इस बार सदन के पटल पर रख सकती है। साथ ही महिला आरक्षण की बात करें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, चाहे बात करें तो प्रदेश के अंदर में नागरिक संहिता के साथ साथ तमाम जो चर्चाएं हैं विपक्ष और पक्ष के अंदर में, उन बिलों को आज केंद्र सरकार कहीं ना कहीं 5 दिनों में पेश कर सकती है। अगर बात करें तो 18 से और 23 तारीख तक संसद का विशेष सत्र चला है। 1962 के जब इंडो चाइना वार हुआ था उस वक्त भी जो विशेष सत्र बुलाया गया था और आखिरी बार अगर बात की जाए मयूरी तो जब GST देश में लागू किया गया था उस वक्त कहीं ना कहीं संसद का विशेष सत्र चलाया गया था। 11वीं बार संसद का विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। आज अगर बात की तो संसद की कार्यवाही शुरू होगी। जी विवांशु, देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि पुराने संसद भवन में कार्यवाही होगी। ये फोन कट गया है। विवांशु से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें, आज विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, जहां संसद के विशेष सत्र को लेकर मोदी सरकार ने पहले से एजेंडा तैयार कर लिया है। बता दें कि विपक्ष को अब भी विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने की आशंका है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा है। सरकार संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधित बिल पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। बता दें कि अटल बिहारी सरकार के समय भी इसे पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बहुमत नहीं होने की वजह से यह अटक गया था।
मोदी सरकार में भी लंबे समय से इसे लागू करने की मांग उठ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी संसद सत्र को संबोधित करेंगे, तो आज से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और आज पहला दिन है। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें तमाम विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो नया विधेयक आएगा या बड़ा ऐलान होगा, ये सबसे बड़ा अभी सवाल है। बता दें कि सरकार ने विशेष सत्र को बुलाया है तो तमाम विधेयकों को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि करीब 38 दिनों के अंदर नया सेशन हुआ है। सरकार 4 बिल पेश करेगी, विपक्ष ने करीब 9 मुद्दे तैयार किए हैं। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए जानकारी सामने आ रही है कि संसद की कार्यवाही पुराने संसद भवन में होगी। जी बिल्कुल, भी आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो संसद की कार्यवाही पुराने ही संसद भवन में होगी और कल माना जा रहा है कि नए संसद में एक विधिवत प्रेजेंटेशन के बाद संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में चलते हुए नजर आएगी। आज माना जा रहा है कि 75 साल के इतिहास में जितना भी देश के अंदर में तमाम नेता चुनकर गए हैं, अपने क्षेत्र की समस्या रखे हैं, उस जगह को बदल दिया जाएगा कल और नए संसद भवन में एक बार फिर कहीं ना कहीं तमाम देश भर के सांसद अपने एक दूसरे से वाद विवाद और साथ ही साथ मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें मयूरी की अगर बात करें तो नए संसद भवन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जब निर्माण कार्य चल रहा था तब काफी राजनीति हुई थी। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या संसद भवन के पहले दिन जो तमाम ओरिएंटेशन के दौरान तमाम तरह के विकास कार्य और साथ ही साथ देश की प्रगति की जब बात होगी तो विपक्ष का क्या रुख रहता है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस संसद के कार्यकाल में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया अलायंस जो चल रहा है उसके नेता केंद्र सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर घेर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रश्नकाल को लेकर किस तरह का व्यवस्था किया गया है। माननीय सभापति ओम बिरला की तरफ से, उपसभापति संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से और सदन पर कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो वे 4 बिलों को लेकर चर्चाएं तेज है और पक्ष विपक्ष के बीच घमासान की आशंकाएं जताई जा रही है। जी विवांशु, देखिए विपक्ष ने चर्चा के लिए करीब 9 मुद्दे तैयार किए हैं, तो वो 9 मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है संसद में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से एक पूरा चिट्ठा तैयार किया गया है इस बार के संसद के विशेष सत्र के लिए। उसमें अगर बात करें तो सबसे प्रमुखता से मणिपुर हिंसा को विपक्ष ने जगह दी है। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर जो सीमा पर कहीं ना कहीं जवानों को लेकर एक कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो किसानों की आय दुगनी पर सवाल पूछ सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में अडानी मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से आवाज उठाती आई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से राहुल गांधी लगातार अडानी और देश के प्रधानमंत्री के संबंधों के सवाल पूछते हुए नजर आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमलावर हो सकता है। मगर प्रमुखता से बात करें तो रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इन जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं उसका प्रश्न तैयार करके और केंद्र सरकार पर विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम सवालों को पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष कैसे डिफेंड करता है। साथ ही अगर बात की जाए तो 2019 के मैनिफेस्टो से कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम उन वादों को निकालकर और संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार से पूछ सकते हैं कि आखिर किस तरह से कार्य हुए। चाहे बात की जाए किसान की आय दुगनी हो, चाहे बात की जाए किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन तमाम योजनाओं को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं हमलावर हो सकती है। जी जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की मुहिम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नजदीक आते विधानसभा चुनाव के चलते उलझने लगी है।
वजह है कि सपा सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी की हसरत इन राज्यों में अपने जमीन तलाशने की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस सपा को इन राज्यों में सीट बंटवारे में कोई तवज्जो देगी या नहीं। आम चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव के लिए काम करेगा, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं यह पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, सीटों के बंटवारों को लेकर ये उलझन देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए इंडिया गठबंधन में अब कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट के बंटवारे को लेकर उलझने बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? क्या विवेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की मुहिम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में नजदीक आते ही विधानसभा चुनाव के चलते उलझने लगी हैं। वजह है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी की हसरत इन राज्यों में अपनी जमीन तलाशने की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या कांग्रेस सपा को इन राज्यों में सीट बंटवारे में कोई तवज्जो देगी या नहीं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए इंडिया गठबंधन में अब दरार दिखने लगी है, सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उलझने बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, नहीं देखा जा सकता है मयूरी की जिस प्रकार से आम चुनावों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए गठबंधन आज एनडीए बना और नीतीश कुमार ने अपनी सक्रियता को दिखाते हुए इस गठबंधन को एक किया। बात करें तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं और क्षेत्रीय दल हैं देश में जो ये चाहते थे कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक ऐसा मजबूत गठबंधन बने जो सत्ता में काबिज मोदी सरकार को तीसरी बार आने से रोक सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आम चुनाव के लिए जो गठबंधन बना था वो विधानसभा चुनाव में वो फार्मूला उनका काम करते नहीं देखा जा रहा है। अगर पंजाब और दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टसन है, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस जहां मजबूती से लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उसके दूसरे साथी समाजवादी पार्टी अब इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना चाहती है और सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले की तरफ भी देख रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी धमक जमा चुकी है, कई बार सरकार बना चुकी है और देखा जाए तो अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ भी देख रही है और इन प्रदेशों में अपनी जमीन को तलाशते हुए देखी जा सकती है। तो किसी भी पार्टी के लिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होती हैं। साफ तौर पर अगर बात करें तो सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं के लिए ही जीते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो इन चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि सीटों के फार्मूले पर अलग थलग उनकी राय हो सकती है। जहां कांग्रेस ये अब तक समझती थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तीन राज्य जो उसके मजबूत राज्य है वहाँ अकेले लड़के एक छत्र जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने एक नया पत्ता फेंक दिया है। अब समाजवादी पार्टी भी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तरफ देख रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस तरीके से अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं एक्टिव नज़र आ रही हैं, लेकिन एक बैनर के तले सीटों का फार्मूला क्या होगा, क्या उसकी बातचीत होगी, किस आधार पे टिकट वितरण होगा, ये तमाम बातें हैं जो उलझने पैदा करते हैं इंडिया गठबंधन में। और ऐसी तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं कि दरार आ गई है या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही है, फार्मूला क्या होगा, इस पर अभी माथापच्ची जारी है। तो विवेक, क्या लगता है कांग्रेस सपा को इन राज्यों में सीट बंटवारे में कोई तवज्जो देगी?
देखिए अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अगर मनसा बना ही ली है कि उसे 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो उसे किसी के परमिशन की जरूरत तो फिलहाल नहीं होगी। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से देखे कि कांग्रेस बात कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत है इन तीनों राज्यों में, कांग्रेस सबसे ज्यादा सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इन तीनों राज्यों में सरकार बना चुकी है। और बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में ही अभी कांग्रेस की सरकारें हैं और फिलहाल बड़ी ही मजबूती से कांग्रेस वहां लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो यहां हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, ऐसे में 1-2 सीट समाजवादी पार्टी के लिए वो छोड़ सकते हैं। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, यहां 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा था, 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस बार लड़ाई मध्य प्रदेश में अब कांटे की दिखाई दे रही है। 50-50 का मामला मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और कमलनाथ कांग्रेस को एक बेहतर तरीके से दिग्विजय सिंह के साथ लीड करते हुए भी देखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए कांग्रेस थोड़ा आश्वस्त होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीट तो बिल्कुल भी नहीं देगी। और साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी होगा कि उत्तर प्रदेश में आम चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस को कितनी तवज्जो देती है, क्योंकि इन्हीं आधार पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को उतना ही तवज्जो देगी जितना इन विधानसभा चुनावों में इन राज्यों में सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तवज्जो देना चाहेगी। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदेश के किसानों को की बड़ी महापंचायत आज लखनऊ में होने जा रही है। प्रदेश का अन्नदाता सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए आज राजधानी में प्रदर्शन और महापंचायत करेगा। इसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग से लेकर बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा, आवारा पशु, गन्ना बकाया सहित अन्य मुद्दों पर बात होगी। वाक्यू के नेता राकेश टिकैत महापंचायत में मौजूद रहेंगे। वहीं बड़ी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है, जिसको लेकर इको गार्डन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बता दें कि लखनऊ में आज किसान की महापंचायत होने जा रही है। सरकार को किसान आज अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी के नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं और किसानों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है लखनऊ में। आज किसानों की ये महापंचायत होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपनी मांगों को लेकर आज किसान अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। तो लखनऊ में आज महापंचायत तो होगी। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु देखिए, लखनऊ में आज बड़ी संख्या में किसानों की महापंचायत होने जा रही है, क्या मकसद है इस महापंचायत का?